नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का naukrikhabar.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनरेगा की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए आने वाली 19 अक्टूबर 2022 तक का समय दिया गया है आवेदन करने के लिए। आपको दिए गए समय के अंदर ऑनलाइन तरीके से आवेदन फिल करने होंगे। आगे इस वीडियो में नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, आप लोग आवेदन कैसे कर पाएंगे इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। आप लोग बने रहिएगा आखिरी तक। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप लोग आवेदन करते हैं तो आपको टेक्निकल असिस्टेंट की, कंप्यूटर असिस्टेंट की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ग्राम रोजगार सेवक के साथ कोऑर्डिनेटर जैसी पोस्ट पर भर्तियों के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। अभी हम मनरेगा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हैं, यहाँ से आप लोग स्क्रॉल करेंगे, देख पाएंगे यहाँ पे रिक्रूटमेंट का सेक्शन दिखेगा और इसी सेक्शन के अंदर आपको इस वैकेंसी की अपडेट देखने को मिलेगी। तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे टाइटल यहाँ पे रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट मनरेगा, इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो स्टार्ट डेट और एंड डेट के बारे में आपको जानकारी दी गई है। स्टार्ट डेट यहाँ पे 18 सितंबर का है और आखिरी डेट यहाँ पे 17 अक्टूबर की ही रखी गई है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का लिंक भी दिया गया है। आगे हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। आपको बता दें ऑल इंडिया लेवल की आपको जॉब मिलेगी। आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे, लेकिन एक बार आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन को रीड करना होगा। मेल एंड फीमेल, महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 18 से लेकर 45 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं कि वेतन क्या मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और अप्लाई कैसे करना है, तो आपको इसके लिए इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना होगा। अगर वीडियो आपको आपके काम की लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आपको आवेदन करने की कंप्लीट प्रोसेस बता देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नोटिफिकेशन के अंदर जो बताया गया है इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। स्टार्टिंग डेट पहले तो एडवर्टाइजमेंट की डेट है यहाँ पे 18/9/2022 यानी कि 18 सितंबर की। ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट यहाँ पे 20/9/2022 यानी कि 20 सितंबर की बताई गई है और आखिरी डेट 17/10/2022 और फीस पेमेंट की आखिरी डेट 19/10/2022 यानी कि फाइनल जो प्रोसेस है आपका 19 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ एग्जाम 6/11/2022 यानी कि अगले महीने में आपको यहां पे नवंबर में 6 तारीख को एग्जाम भी देखने को मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी जॉब आपके हाथ में होगी, पूरी कंप्लीट प्रोसेस यहां पे नवंबर महीने में ही कंप्लीट कर दी जाएगी। देखिए लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑन वेबसाइट यानी कि फाइनल जो लिस्ट होगी वो आपकी 18 नवंबर को रेडी कर दी जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी आपको पोस्टें देखने को मिलेंगी और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो देख सकते हैं आईटी मैनेजर की पोस्टें जहां पे टोटल 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है, कोऑर्डिनेटर की पोस्टें जहां पर 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें जहाँ पर आपको 11 नंबर ऑफ वैकेंसी मिल रही है, कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्टें जहाँ पर 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है, DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टें जहाँ पर 8 नंबर ऑफ वैकेंसी है और फाइनली यहाँ पर ग्राम रोजगार सेवक की वैकेंसी है जहाँ पर आपको 10 नंबर ऑफ वैकेंसियां मिलने वाली हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल टोटल की तो आपको 32 यानी कि 32 पोस्टों पर ये मनरेगा की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। अभी हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट वैकेंसी के बारे में, यानी कि मेल कैंडिडेट कौन कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे, महिला कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगी। तो देखिए जो आईटी मैनेजर की पोस्ट है जहां पे 1 नंबर वैकेंसी है, जर्नल है यानी कि यहां पे महिला पुरुष दोनों आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, यहाँ पर पुरुष आवेदन कर पाएंगे, यहाँ पर भी पुरुष आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें मिल रही है जहाँ पर जर्नल कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन करेंगे, इसमें से 1 वूमैन कैंडिडेट भी आवेदन कर सकती हैं।
पीएससी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट वुमेन में आवेदन कर पाएंगी, बीसी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगी, जनरल ईडब्ल्यूएस वुमेन कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगी। इसके बाद कंप्यूटर असिस्टेंट है जहां पे एससी कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर है जहां पे जनरल कैटेगरी की महिलाएँ भी आवेदन कर सकती हैं, एससी में भी महिला आवेदन कर सकती हैं। इसके बाद आपको ग्राम रोजगार सेवक की पोस्टें मिल रही है जहाँ पे 10 नंबर वैकेंसी हैं, यहाँ पे भी जनरल में 3 पोस्टें हैं जहाँ पे महिला भी आवेदन कर सकती हैं। एससी कैंडिडेट हैं यहाँ पे भी महिला आवेदन करेंगी, ईएसएम में भी महिला पुरुष आवेदन करेंगे, जनरल में ईडब्ल्यूएस में पुरुष आवेदन करेंगे, महिला भी आवेदन करेंगी। इस तरह से पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद फाइनली हम बात कर लेते हैं वेतन के बारे में। तो वेतन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट है और यहाँ पे सैलरी है। यहाँ पे जो आईटी मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए 21,000 रुपये पर मंथ आपको वेतन दिया जाएगा। कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए सेम वेतन है 21,000 रुपये का। टेक्निकल असिस्टेंट पे आपको 17,500 रुपये का वेतन है। कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए 12,000 रुपये का वेतन है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 12,000 का वेतन है। और ग्राम रोजगार सेवक के अंदर आपको 10,700 रुपये का वेतन देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन के बारे में। तो देखिए, जो आईटी मैनेजर की वैकेंसी है उसके लिए क्वालिफिकेशन एमटेक बीटेक चाहिए होगा, एमसीए बीएससी वगैरह। इसके बाद जो कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिग्री या डिप्लोमा चाहिए होगा। इसके बाद जो कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्टें हैं इसके लिए आपको बीसीए वगैरह चाहिए होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए बीए बीसीए चाहिए होगा। और जो ग्राम रोजगार सेवक की पोस्ट है इसके लिए 10+2 यानी कि यहाँ पे 10वीं 12वीं पास वाले कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। डाटा एंट्री के स्किल भी चाहिए होगी, यानी कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, बस यहाँ पे 10वीं और 12वीं पास हैं तो आवेदन कर पाएंगे ऐसा बताया गया है 10+2 के बारे में। बाकी की जानकारी के लिए वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। बात करते हैं सिलेक्शन के बारे में। देख सकते हैं आप लोग अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। रिटर्न एग्जाम होना है, इसके अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हायर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। ऐसे ही जब आप लोग स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको टोटल यहाँ पे सारी पोस्टों की रिटर्न होगा और इसके अंदर जो आपका एक्सपीरियंस होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी पोस्टें हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको ग्राम रोजगार सेवक की भी पोस्टें मिल जाएंगी। इसके लिए भी यहाँ पे आपका रिटर्न होना है, हायर क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और इसके अलावा इंटरव्यू के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस किए जाएंगे इसके बारे में यहाँ पे जानकारी मांगी गई है और दी गई है। आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी की जानकारी के लिए बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मनरेगा की तरफ से आ चुकी नई भर्ती 2022 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राम रोजगार सेवक और आईटी मैनेजर जैसी पोस्टों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन के साथ आवेदन ऑनलाइन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आप सभी लोग आने वाली 19 अक्टूबर तक आवेदन कर पाएंगे। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। ऑल इंडिया लेवल की आपको जॉब मिलेगी जहाँ पर आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन फिल कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 45 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे 10+2 10वीं 12वीं पास है तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको आपके काम की लगी है तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तरफ से रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। उसके बाद यहाँ से अगर आप लोग नीचे आएंगे तो आपको इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। देखिए, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005 आपका ये ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है मनरेगा। इसके अंदर आईटी मैनेजर, कोऑर्डिनेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और ग्राम रोजगार सेवक जैसी पोस्टें मिल रही हैं जिसके लिए आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। 19 अक्टूबर 2022 तक आप लोग आवेदन फिल कर पाएंगे। इसके बाद आपका एजुकेशन 12 डिप्लोमा डिग्री वगैरह है तो आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 से लेकर 45 साल आपकी एज होनी चाहिए। टेस्ट और इंटरव्यू के
चयन से आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद 10,700 से 21,000 तक का वेतन भी यहाँ पे डिसाइड किया गया है। अप्लीकेशन फीस यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि आप लोग आवेदन कैसे फिल कर पाएंगे, तो उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक हमने एक्टिवेट कर दिया है, नोटिफिकेशन भी दे दिया है। आपको बस एक बार इस पेज पे आके डाउनलोड करना होगा। जल्दी से जल्दी आप लोग डाउनलोड करें, काफ़ी कम वैकेंसी है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 19 अक्टूबर तक आपको प्रोसेस कंप्लीट करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।